Bob Game Show, welcome to दस का दम, एक वर्ड है जो पंजाब की देन है, जो हर खुशी के मौके पर हमारा दिल बोलता है। यस, दिल बोलता है। क्या बोलता है? लेकिन दिल क्या बोलता है? दिल हड़ी बा। तो आज हमारे साथ खेलेगी मेरी बड़ी फेवरेट कोस्टार रानी मुखर्जी, एंड प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड शाहिद कपूर जी। तो मैडम, क्या बोल रहा है दिल आपका? हड़िप्पा हड़िप्पा। आज अब अपनी मूछे दाढ़ी के साथ नहीं आई? नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ आ रही थी। मुझे दिखाओ, शेप शेप करके आई हूँ। तो शायद दिस वॉज योर फर्स्ट फिल्म विद रानी? यस यस। कैसा लगता है रानी मुखर्जी जी के साथ काम करना? एब्सोल्युटली फैबुलस जी। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर और बहुत कुछ सीखा मैंने। जैसे कि? और जैसे कि दाढ़ी कैसे उगाते हैं। आप कहाँ खो गई थी? कहाँ खो गई थी? एक काफी अरसे के बाद आपका कोई प्रोमो आया है। सिर्फ प्रोमो ही दिखाएंगे या कभी ये फिल्म भी रिलीज होगी? फिल्म रिलीज होगी ना, 18 सितंबर। बिकॉज एवरीबॉडी इज वांटिंग टू सी दिल बोले हड़िप्पा। बस आप दुआ करना सलमान की पिक्चर हिट हो जाए। ऑफ कोर्स, मेरी दुआएं हमेशा आप के साथ है। आपने कितना वेट लूज किया है? एग्जैक्टली 7 किलोज। 7 किलो? और ये क्यों किया है आपने? फिल्म के लिए, बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ क्रिकेटर। मैं इस फिल्म में डांस भी कर रही हूँ जी, एक्टिंग भी कर रही हूँ जी, हंस भी रही हूँ बहुत। एक आप वो मैंने आपको देखा वो, हाँ वो भी डांस कर रही हूँ। वो कैसा किया? प्लेइंग अ मैन आल्सो इन द फिल्म। मैन के लिए क्या क्या आपको क्या क्या करना पड़ा? मैन क्या क्या करना पड़ा? जो सबसे ईजी था, मैंने दाढ़ी मूछ लगाई बस, और फिर मैंने आपके बारे में, शाहरुख के बारे में, आमिर के बारे में सोचा कि मेरे हीरोज जैसे लगते हैं, मैं वैसे थोड़ा डांस करूं, वैसे थोड़ा चलूं। अच्छा, तो आपने किसको फॉलो किया डांसिंग में? तो बस। नहीं, डांसिंग में मैंने मेरे भाई को फॉलो किया, राजा इज अ ग्रेट डांसर। लेकिन तो मुझे तो आपने अगर मुझे डांसिंग में ना फॉलो किया तो एक्टिंग में तो चांस ही नहीं। आपको बोलना है कि आपने वांटेड में बहुत अच्छा डांस किया। यू नो, सरप्राइजिंग चीज है। यू नो सलमान, सलमान वंस जस्ट डू दैट स्टेप फॉर मी। अरे वो ये वाला? मुझे आप एक बात बताएं कि आपने हाल ही में बहुत मेहनत करके बॉडी वॉडी बनाई जी, ये क्यों, किस लिए? फिल्म के लिए बनाई सर मैंने, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं चला जाता। कौन सी? बाहर कैसे जा? कौन सी फिल्म के लिए? फॉर कमीने जी, फॉर कमीने। आपने उस बॉडी का फायदा दिल बोले हड़िप्पा में जी, मैं कुछ महीने के लिए जो बॉडी बनाई थी उसका पूरा फायदा उठा लिया मैंने। 3-4 फिल्में की, उसमें सब में मैंने जहाँ जहाँ मैं दिखा सकता था मैंने। बट ये जो
ये जो आपने बनाया है इन्हें बहुत मुश्किल का काम है, तो इसे पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। मुझे भी वही एडवाइस दीजिए ना। जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। कि अगर आप छोड़ देंगी तो आप फैल जाएंगी। करेक्ट। फैलने का कोई फायदा नहीं। करेक्ट। जैसे हम लोग छोड़ देते तो हम लोग भी फैल जाते हैं, और जब हम लोग हमारे आप को नहीं देख सकते तो हमारे प्यारे दर्शक कैसे देखेंगे, हमें कैसे देखेंगे। तो ये है मैडम और सर, ये है क्लोरबिन नॉकआउट राउंड। मैं आपको कैसे नॉकआउट कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं। इस गेम के रूल्स खाइएगा आप भी। मैं आपको इस गेम के रूल्स समझाऊंगा, गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उसके जो जवाब हैं हमारे इस LG LCD TV में बसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। जिसने भी पहले 3 सवालों को सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। Are you ready? So let's play 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, ट्रेन के सुरंग के अंदर जाने पर कितने प्रतिशत भारतीयों ने कोई शरारत की है, कोई आपने शरारत की है ट्रेन के सुरंग में, ट्रेन के भोगदे में? मैंने किया बचपन में, मतलब सुरंग भोगदा एंड टनल मींस द सेम थिंग। आपने किए शायद? जी मैंने की है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी बात नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब क्या किया था ट्रेन? मैंने सुना है ये फैमिली शो है तो। नहीं 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 नहीं, ये फैमिली शो जरूर है लेकिन सब अलग अलग बैठ के देखते हैं। पहले पहले आप बताइए प्लीज। मैं तो बचपन में खेलती थी ना ट्रेन में, जब भी अंधेरा होता था हाइड एंड सीक। इतने हंसते की क्या बात है यार, आप भी तो हंसते हैं। हाँ मैं हंसती हूँ। क्या खेलती थी आप बचपन? दिन में जब ट्रेन टनल के अंदर जाती थी तो ऐसा लगता था कि अंधेरा हो गया, रात हो गई है, तो हम लोग लाइट जलाते रहते थे। वी यूज्ड टू प्ले, यू नो, वी यूज्ड टू मेक दोस डिस्को लाइट्स विद द लाइट इनसाइड द बोगी, सो दैट यूज्ड टू बी फन फॉर मी। लेकिन ऐसी किसी शरारत थी कि नॉटी है? अरे उस वक्त वो मेरे लिए बहुत नॉटी था। अभी से अगर टनल में जाओ तो कुछ और होगा, लेकिन उस वक्त वो नॉटी था। अभी के बारे में अभी क्या करें? नहीं अभी तो मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिले तो? अगर मौका मिले तो बहुत कुछ। फॉर एग्जांपल बताइए ना, हम उतावले होने जानने के लिए प्लीज। क्यों शायद, क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। शायद आप पहले अपना बताइए। मैं तो एक ही चीज करूंगा, मम्मा सेज यू लव मी, पापा सेज यू लव मी, बस। मैं तो दिल बोले हड़ी किसके साथ करेंगे आप? मम्मा पापा के साथ। मैं मम्मा पापा के साथ नहीं करूंगी। क्या किसके साथ करेंगे? मम्मा पापा के साथ अब तक करती आई हूँ। तो आप किसके? तो अब नहीं, अब थोड़ा सा। लेकिन जैसे कि लोग मूंगफली चुराते हैं, फिर किसी का खाना चुरा लेते हैं, किसी को चिमटी मार देते हैं, किसी की पैंट के ऊपर च्युइंगम डाल देते हैं, किसी का पैंट का चेन नीचे कर देते हैं। आपने तो नहीं किया था ना? पैंट का नहीं, सॉरी, ट्रेन का चेन नीचे खींच देते हैं। आपने तो ये सब नहीं किया ना? नहीं नहीं, देखिए इतना टाइम नहीं मिलता टनल में ऐसा कुछ करने के लिए। और यू नो काफ़ी हनीमूनिंग कपल्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं तो जब टनल से बाहर निकलते हैं दे हैव टू बी गुड एक्टर्स। बहुत अच्छे एक्टर्स होना चाहिए उनको, कि जैसे कि हालांकि यहाँ से लेके पुणे तक 11 टनल है जिसमें से 3 बहुत लंबे लंबे हैं। फुल रिसर्च है बॉस। जानकारी मुझे नहीं थी। तो शायद इफ यू गोइंग टू पुणे नेक्स्ट टाइम। जी पुणे के रास्ते में ट्रेन, कभी गाड़ी में जाने का नहीं, ट्रेन में जाने का। जी प्रश्न यह है कि ट्रेन के सुरंग के अंदर जाने पर कितने प्रतिशत भारतीयों ने कोई शरारत की है। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रानी ने लगाया 51% पर और शायद लगाया 57% पर, और दोनों इस 51 और 57 में शामिल है। आए देखें जीतता है कौन। अरे नहीं
आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं एक साइज छोटे कपड़े ये सोचकर खरीदती हैं कि वो किसी दिन उनमें फिट तो हो ही जाएंगी। मैंने बहुत ऐसी शॉपिंग की। कितनी यहाँ पे कितनी बहुत सब सब महिलाएं करती हैं ऐसा? सब 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 मैं सबकी गारंटी ले रही हूँ। और कभी वो महिलाएं उन कपड़ों में फिट हुई हैं? हाँ हुई है ना। ये मुझे आप बताइए, ये बात ये आप झूठ बोल रही हैं ये कि आप खरीदती हैं ये नहीं, आपकी मम्मी ने आपके बचपन में कुछ कपड़े खरीदे थे जो आपने वेट लूज करके अभी पहने वापस है और फिट भी हो रहे हैं। जी हाँ, तो आपका क्या, आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस मसले पर? कोई है आपके लाइफ के अंदर जो कि एक साइज छोटा कपड़ा पहनता है? जी, मेरी मॉम, मेरी बहन। अच्छा है जी। और आप बाकी तो कोई हो गए नहीं, नहीं आपकी लाइफ में, चांस ही नहीं है ना? होना तो चाहिए, आगे तो होना चाहिए इंशाल्लाह। अब कितने होने चाहिए? इन्होंने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। और मेरा तो भैया बचपन से लेके अभी तक का था, इन्होंने तो 2 साल के अंदर थोड़ा है बेटा। दाड़ 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 दाड़। जी हाँ, तो प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं एक साइज छोटे कपड़े ये सोचकर खरीदती हैं कि वो किसी दिन उनमें फिट हो ही जाएंगी। आप लोगों के पास 10 सेकंड, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रानी मुखर्जी जी ने लगाया है और शाहिद कपूर सर ने लगाया 61%। आए देखें कौन जीतता है ये पॉइंट। स्कोर है 2-0। अगर मैडम ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो फिर वो खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपए की। तो आइए आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने मक्खी को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की है? मैं तो अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे तो कोई मक्खी नहीं है, यहाँ नहीं। लेकिन मक्खी क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए उस वक्त होता नहीं, काम नहीं होता। अच्छा ये आएगा, ये काटता है, ये बहुत बड़ा मक्खी का साइज है। मक्खी चूस किसको बोलते हैं? मक्खी चूस कंजूस को। कंजूस को हाँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सब मक्खी का भी जूस निचोड़ निचोड़ के पी जाता है इसलिए। मक्खी चूस। मुझे बताओ कि अगर आपके चाय में, शायद अगर आपके चाय में मक्खी गिरेगी तो आप क्या करेंगे? चाय नहीं पियेंगे, मक्खी को निकाल के फेंक देंगे? नहीं पियेंगे। अरे हम तो पीते थे उस, जब हमको सिर्फ पता चला कि मक्खी सिर्फ स्वीट पे बैठती है, गुड़ के ऊपर बैठती है, तो हम तो चाय निकाल के पी लेते थे, फेंक देते थे। लेकिन हमको ये पता चला कि मक्खी शिट पे भी बैठती है। क्या तो बात कर रहे हो? बड़ा वाला या वो बड़ा, तो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर बैठी है, उस हिसाब से वो चाय पीना चाहिए। आप दोनों के पास 10 सेकंड है फ्लाइज पकड़ने के लिए, देखते हैं कौन कितना जल्दी फ्लाइज पकड़ता है। अच्छा, उसको पकड़ना है? पकड़ना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ पकड़ना है। ये तो मेरे हाइट के साथ मैच करता है। पकड़ा, कुछ तो पकड़ा। अगर ये मैं होता, ये मैं होता तो मैं आज जेल में होता। जी हाँ, आप दोनों के पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रानी ने लगाया 50% पर, शायद ने लगाया 61% पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पूरे हिंदुस्तान ने मक्खी पकड़ने की कोशिश की।
और फिर मच्छर मारने की कोशिश की है। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने मक्खी को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। चीज है ये स्टेप क्या है डिस्को वाले खिसको कैसा है कैसा ऐसे 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 ये मछली चल रही हाँ ऐसे मछली ये मछली जल की रानी है दिखाओ आप दिखाओ मछली जल की रानी है और उसके साथ ये जो है ये राइट में जाता रहता है ऐसा ऐसा कांग्रेचुलेशंस स्कोर है 1-2 आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते ऐसा आप किसी को जानते हैं नहीं आपको सब भाव देते हैं जी देते हैं नहीं बट ऐसा होता होगा कि यू नो जैसे कि एक कोई खूबसूरत महिला है और सब उनको देखते हैं तो इतनी इज्जत देते हैं इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और फिर एक अजीब और गरीब एक बंदा आ जाता एक बंदा आ जाता है जो कि उनकी तरफ देखता भी नहीं तो वो गिर जाती है उनको समझ भी नहीं आता कि ये क्या हो गया कि मैं कि इन्होंने मुझे पलट के क्यों नहीं देखा कि इनके गर्दन में कैच है कि ये अंधे हैं कि नहीं बट ऐसे हैं कोई जैसे कि आप बोल हमेशा एक उदाहरण गाइस जो उनको अटेंशन हाँ जो थोड़े मतलब अपनी दुनिया में रहते हैं उनको लड़कियों को बड़ा अट्रैक्शन होता है अच्छा मुझे तो कभी भी ऐसे कोई भी लड़के से अट्रैक्शन नहीं होगा मुझे भी आप लड़कों के साथ ऐसा करती होंगी ना आप लड़कों के साथ ऐसा करती होंगी वो तो अलग लड़के आपके पीछे खींचे चले आते होंगे बिकॉज आप उनको एटीट्यूड देती हैं वो अलग बात है लेकिन मैं शायद कभी अट्रैक्ट नहीं होंगी You never say never, आपको अटेंशन अच्छा लगता है आपको ऐसा लगता है कि जितना दो उतना कम है जितना दो उतना काफी शायद जो भाव नहीं दे रहे होंगे वो एक अलग शायद सोच के होंगे एक अलग मिजाज के होंगे वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे he's not interested in my beauty right yeah he's not interested in me और फिर हर एक लड़की को इंटेलिजेंट बनने का बहुत शौक होता है उसको क्या पता कि उस क्षण के मन में क्या क्या प्लानिंग क्या क्या स्कीम है 10 सेकंड है आपके पास 10 सेकंड शुरू होते हैं अब रानी मुखर्जी जी ने लगाया है 48% पर अरे हाँ दिल बोले हरिप्पा दिल बोले हरिप्पा और शाहिद कपूर ने लगा है 52% पर हरिप्पा आए देखें कौन जीता ये पॉइंट रानी या शाहिद
मैं रिक्वेस्ट करूं कि ये मेरे साथ खेलें? ऑफ कोर्स मैं आज ऑफ कोर्स मैं उधर आप मैं चलिए आइए ना प्लीज क्योंकि मुझे इधर आना है। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे दिल बोले हड़प्पा के लिए आपका डिस्को वाला किसको गाना। तो रानी मुखर्जी जीत चुकी है क्लोरमेड नॉकआउट राउंड। अब खेलेंगी ये मनी राउंड और शायद भी आपके साथ खेल रहे हैं। लेट्स प्ले दस का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक्ट्रेस एक्टर्स से ज्यादा अकलमंद होती है। ये तो अपने पे बात हो गई बॉस। नहीं आप ये आप लोग अपने आप में डिस्कशन कर लो फिर मैं बाद में जॉइन करता हूँ। आपको क्या लगता है और आपको क्या लगता है? मैं गिव अप कर चुका हूँ। एक्टर ज्यादा 100% डिसाइडेड। एक आप एक अनुमान लगाइए। आप भी एक फोन करना शुरू कीजिए। 10,000 रुपयों का प्रश्न है। क्या लगता है कितना होना चाहिए आप? I think यहाँ तक भी कम नहीं करते हैं। इससे कम हो सकता है। हाँ कम कम। I think 7 to 47 रुको। आपने शायद ये क्यों कहा कि एक्ट्रेस से ज़्यादा नहीं जैसे उन्होंने कहा हमें हिंदुस्तान के लिए सोचना चाहिए तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा मतलब यहाँ से जाने के बाद सब एक्ट्रेसेस और अकलमंद और स्मार्ट जी मे भी फर्क है जी तो वी टॉकिंग अकलमंद इंटेलिजेंस एक्ट्रेसेस आर वेरी इंटेलिजेंट या क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्ट्रेसेस आर वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि एक्ट्रेसेस जो होती है वो एक पुरुष की दुनिया में आके वो बहुत अच्छा करती है। पुरुष की दुनिया है अब तो औरतों की दुनिया हो चुकी है क्योंकि नहीं नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री कि इट्स बीन अ हीरो डोमिनेटेड इंडस्ट्री ऑल द टाइम तो उस इंडस्ट्री में आके अपनी पहचान बनाना वो अपने आप में आई थिंक इफ दे वर नॉट इंटेलिजेंट आई डोंट थिंक दे वुड हैव बीन एबल टू डू इट talented and intelligent aapko kya lagta hai ji main 50% ke niche hi rakhunga is jawab nahi matlab ki aapko kya lagta hai acha mujhe kya lagta hai aap us taraf bula ke puche na main thoda safe feel karunga is taraf khada karke aap mujhse sawal pooch rahe le jab aapne bol diya ki mujhe 50 ke niche lagta hai to 50 ke kitne niche lagta hai hindustan ko aisa lagta hoga mujhe ha ji main between 7 and 47 or 9 and 49 or whatever ji but bilkul aapko ye lag raha hai अच्छा आप 50 और 10 रखेंगे हाँ क्योंकि ये जो पोलिंग जब हुआ होगा और ये प्रश्न जब पूछा होगा तो ये पूछा होगा कि क्या बॉस यार कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक्ट्रेसेस एक्टर्स से ज़्यादा अकलमंद होती है जैसे दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं शायद ये हुआ होगा शायद अरे कोई चांस ही नहीं बॉस शायद मुझे लगता है कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस तो सिर्फ फिल्म में काम करते हैं जी जो मेन काम जो होता है जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट लिखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स है वो म्यूजिक देते हैं एक्चुअली एक्टर्स का इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है ऑडियंस पोल देखते हैं इसी नॉट बैड यार मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस सुपर्ब यार कमाल कर दिया 45 से 55 आप लोग हमारी हीरोइंस को बेवकूफ नहीं समझते थैंक गॉड थैंक यू वेरी मच वी बीन ट्राइंग टू कन्विंस हमारे पूरे दर्शक यू नो ऑल आवर फैंस के हमारी हीरोइंस दे नॉट स्टूपिड दे नॉट डम बेवकूफ नहीं है दे इंटेलिजेंट हैं थैंक यू इतने सालों के बाद आपको तो करूँ कुछ चेंज करूँ मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी तो ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे यार ट्राई कर लीजिए
पता कर रहा है। अगर आप ये प्रश्न नहीं जीत पाए तो आप कुछ नहीं लेके जाएंगी। और ये जो सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि एक्ट्रेसेस एक्ट्रेसेस ज्यादा अक्लमंद होती है, उसका तो आंसर पूरे हिंदुस्तान को मिल जाएगा। क्या चुन के आप लोगों ने वो सवाल भी जो निकाला है। चलो मैं वापस अपना अच्छा तो और मुझे आप 45 में आ जाओ। नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, कभी नहीं। थिंक अबाउट द मनीज रानी जी, ये जो मनीज जहाँ पे जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे? मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है व्हिच आई हैव नेम्ड आफ्टर माय पेरेंट्स, कृष्णराम जी, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैं वहाँ ये पैसा डालूंगी फॉर दैट आई कैन हेल्प चिल्ड्रन एंड पीपल हु। रानी की मम्मी, रानी की डैडी, नमस्ते। आई होप के आप ढेर सारे रुपए जीते। तो आपने 10 से लेके 50% पे लगाया है? 15 तक आई थिंक सेफ रहेगा, बिकॉज जो ये रिफ्लेक्शन था पोल का, जेन्युइनली ऐसा हो सकता है कि जनता भी मानती हो कि एक्ट्रेसेस आर वेरी इंटेलिजेंट, विच ऑनेस्टली इज द ट्रूथ। एक्ट्रेसेस बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, एक्टर्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, बट एक्ट्रेसेस भी होते हैं। व्हाट इंडियंस थिंक ना। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि आज की तारीख में 15 के नीचे तो मुझे नहीं लगता होगा। 10,000 पे इतना डिस्कशन, अगर 50 या 51 हो गया तो एक्ट्रेस हीरोइन जाएंगे आप। नहीं, मेरे ख्याल से ये ये सही होगा। ये 10 से लेके 50 मतलब आपको लगता है कि मतलब 10% भी हो सकता है जवाब? नहीं, दिस द विंडोज बिटवीन, या सो द विंडोज बिटवीन 10 एंड 50, बट यू डोंट थिंक इट विल बी अबव 50%? नो चांस, यू फील लाइक कोई चांस नहीं है कि 50%? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 55 तक कर लो ना, 15 के नीचे नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये जवाब गलत हुआ तो मुझे मतलब रास्ता बता दो यार। प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि एक्ट्रेसेस आर मोर इंटेलिजेंट। ₹10,000 के लिए रानी ने छापा है फ्रॉम 15% to 55%। आए देखें के रानी इंटेलिजेंट है के नहीं। रानी मुखर्जी जी, कभी कभी सजेशन हीरो का भी ले लिया, आपको शायद जी ने बचा लिया, नहीं तो इस वक्त आप 10,000 वो भी हार के चले जाते। अच्छा, इंटेलिजेंट का ऑपोजिट होता है डम, हम खेलेंगे डम शार्ट्स। अच्छा, आप इस तरह भैये जी। अच्छा, शायद खेलेगा, आप दोनों खेलेंगे। अच्छा, हम दोनों खेलेंगे। मैं आपके कान में एक फिल्म का नाम लूंगा, आप इशारों में इनको समझाइए। अरे बाप रे, आपको गैस करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कितने वर्ड्स है बता दे। सोचना पड़ेगा रोहन, बता बता कितने वर्ड्स है। दो वर्ड्स है। दो वर्ड्स है। अच्छा, दो वर्ड्स है हिंदी में। अच्छा, सलमान की तो पिक्चर नहीं है ना, मेरी तेरी, मेरे बचपन की, तेरे बचपन की, सलमान के बचपन की, हमारे बचपन की। अच्छा, बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों के साथ पिक्चर है। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, नहीं सेकंड वर्ड। हाँ, पूजा, पूजा, प्रेयर, बाल गणेश, पूजा, पूजा, घंटी, घंटी, पूजा, हाँ हाँ, मंत्र, मंत्र इज द सेकंड वर्ड। ओके, जादू मंत्र, जंतर मंत्र, छू मंत्र, जंत्र
ममंत्रम। जयंतरम ममंत्रम। आइए मैडम। अच्छा मैं उधर आता हूँ। अच्छा मैं भी, अच्छा मुझे भी खेलना पड़ेगा। अच्छा तो एक्टिंग का टेस्ट हो रहा है। वाह सुपर्ब सुपर्ब। इसलिए पुरानी फिल्म है नई फिल्म है? अभी की है। पहला वर्ड क्या हुआ? क्या क्या क्यों क्यों क्योंकि हमारे यार शायद हरिपाल शायद। बट ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। आप मुझे जजंतम ममंत्रम दे रहे हैं, उसको क्योंकि दे रहे हैं? दे रहा हूँ। अच्छा टफ है। आपकी पिक्चर है, दो वर्ड्स है, अक्षय कुमार की नहीं? अच्छा ठीक है ओके। हीरोइन बहुत सेक्सी, बहुत ही सेक्सी थी नहीं? अच्छा हीरो बहुत सेक्सी था। फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड हाफ, फर्स्ट वर्ड का हाफ, सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट वर्ड। तू तू मैं जो घुटना जॉनी गद्दार। आप 10,000 रुपए जीत गई हैं। अब आप खेलेंगी मेरे साथ 1,00,000 रुपयों के लिए। खिड़की है 30% की। प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि किसी एक के साथ जीवन बिताने के बजाय फिल्म सितारे हर पिक्चर के साथ प्रेमी बदलना पसंद करते हैं? इसकी परसेंटेज बहुत हाई होगी, ये तो काफी हाई होगी परसेंटेज। आपका क्या मानना है इस पे? जी मेरा मानना है कि काफी भारतीय ऐसा सोचते होंगे। अच्छा सच नहीं है लेकिन सोचते हैं। आपके साथ तो कभी हुआ नहीं, मेरे साथ कभी हुआ नहीं, एवरी फिल्म का तो नहीं हुआ, एवरी 20-25 फिल्म के बाद, लेकिन उन जिनके साथ था उनके साथ एक है कि पिक्चर हुई, शायद वो भी नहीं हुई है। अब इनका अलग सिस्टम है तो है ना जी, है ना। तो वैसे इनकी तुम्हारे वजह से यार हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है जी। इससे पहले तो मतलब कभी पढ़ा ही नहीं पेपर में। मैं पहला आइटम हूँ जिसके बारे में सब लिखा गया जी। बिल्कुल सही कहा। But I think the film industry gets a little more prominence because they are blown out of proportion. Because उनके बारे में लोग लिखते हैं, लोगों को अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो it just looks larger than life. हाँ मतलब मिस्टर मेहता और मिस पाटिल के बीच में कुछ हो रहा है तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर दो स्टार्स के नाम होंगे, नहीं मतलब जनरल मैं एक कहानी ऐसी बोल रहा हूँ, मैं किसी के मैं किसी के ऊपर मिस्टर मेहता अगर ऐसे कुछ लिखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं होता, बट इफ यू टेक The name of two stars, तो obviously it's readable material, तो शायद इसलिए लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो अनुमान एक अनुमान लगाइए आप भी एक please vote कीजिए। 5-35 I think no, more yeah definitely I think maybe yeah। देखिए जितने भी film stars हैं सबकी शादी हो गई है सिवा मेरे। हाँ सिवा आपके और इनके भी, इनके और इनके भी, और मेरी भी, और आपके भी, बाकी जितने भी हमारे सास हैं, फरदीन से लेके जायद, ट्रायंगल जी, जायद से लेके शाहरुख, आमिर, संजू, सबकी शादी हुई, ऋतिक, किसी की एक हुई, किसी की दो हुई हैं, यू नो, बट शादी सबकी हो चुकी हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी, और हमारी एक भी नहीं हुई, और हाँ, कैन यू बिलीव दैट? डोंट वरी तेरी भी हो जाएगी, हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, अरे हो जाएगी यार, हो जाएगी, हो जाएगी, अभी हो जाएगी यार, टाइम चाहिए, अच्छे अच्छे टाइम में होगी, अच्छे टाइम, जो टाइम में होना है उसी टाइम पे होगी। तो आपने लगाया शायद 20 से लेके 50 शायद ये ठीक है। नहीं मैं जो कह रहा हूँ मुझे सिर्फ यही डाउट है, यहाँ पे ऑडियंस पोल लें, लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? ऑडियंस पोल है ना, देखना जी, आइए ऑडियंस पोल देखते हैं। एक तो भैया एक तो 100 में पहुंच चुके हैं भाई साहब, एक तो 100 बट दैट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। 60% पे सबसे बड़ी छोटी है,
और 100% से सिर्फ 40% कम है. मैं कहीं यहाँ पे हूँ 3% पे, आप हो 100% पे. और आपने लगाया 30% to 60% मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस है. हम लोग छोड़ भी सकते हैं 35 to 65. देखो ये सवाल समझने भी ये सवाल समझने नहीं नहीं और मत बढ़ो और मत बढ़ो. क्या करना चाहेंगी आप? मैं छाप रही हूँ. छाप रही यार, छाप दीजिए. छाप गणपति बप्पा मोरिया. रानी मुखर्जी ने 34% से लेके 64% पर छापा है. आए देखते हैं कि रानी मुखर्जी जी जीत पाती है कि नहीं. शायद आपकी फिल्म कमीने में आपने एक चार्ली का कैरेक्टर जो निभाया आपने बहुत खूब निभाया है, लेकिन आपने कैसे निभाया है? चार्ली का एक प्रॉब्लम है, वो फर को फर बोलता है. फर को फर मतलब वो सर को फर बोलता है, तो वो फिल्म में बोलता है कि मैं फर को फर बोलता हूँ, क्योंकि वो सर बोल ही नहीं सकता. अच्छा जी, अगर आपको रानी को कोई डायलॉग सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे? फर को फो कैसे बोलेंगे? मेरे स्वामी, फात जन्मों तक फात देने की कसम खाई थी तुमने, और अब मेरे फुहाग का फिंदूर मिटा कर फात छोड़ कर मेरी फौतन के फात साउथ अफ्रीका जाना चाहते हो. फाफ फाफ क्यों नहीं कहते कि तुम प्यार को खेल समझते हो, लेकिन मैं फारी जिंदगी फपाई फे फोचूंगी और इंफाफ के लिए लड़ूंगी. मुझे इंफाफ चाहिए, मुझे इंफाफ चाहिए, मुझे इंफाफ चाहिए, इंफाफ फाफ इंफाफ चाहिए मुझे. फलमान जी, इनका नाम फाहिद है और आपका नाम फलमान है. फलमान फलमान और इनका फाहिद. आई एम फलमान और ये है फाहिद कपूर. रुपए खेलेंगी 10 लाख रुपयों के लिए जी. आइए, आपका प्रश्न है 10 लाख रुपयों के लिए. खिड़की है 20% की. प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने किसी के कमरे से निकलते हुए उसको गाली देना शुरू कर दिया. कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि उन्होंने किसी के कमरे से निकलते ही उसको गाली देना शुरू कर दिया? आपके साथ कभी हुआ है क्या? कभी मेरे साथ? हाँ, कि कमरे मुझे से क्या कोई पता निकला? किसी ने मुझे गाली दी है? आपने किसी को गाली दी? नहीं, मैंने किसी को नहीं. मैंने अगर दी है गाली तो उसके मुंह पर दी. मुंह पर दी? कैसे? नहीं बता सकते अभी. नहीं, बहुत ऊपर चले गए आप नीचे. बिना साउंड के, बिना साउंड के गाली कैसी बकी जाती है? अंदरूनी नहीं गाली ऐसी. अच्छा बताओ कि मैं कौन सी गाली पकड़ूं?
मतलब बीच में आपका बाहर निकल फिर बताता हूँ, उतना समझ में आया वो तो एक्सप्रेशन से. आई थिंक आपने कभी किसी को आई थिंक दिस इज इट बाहर जैसे कोई जिसने जैसे पीठ मुड़ी जी निकले कभी किसी को गाली दी? मेरा उतने देर रुकता नहीं है सर, मेरा वही गाली निकल निकल जाता है. गाली आप लोग गाली भगते हैं? नहीं मतलब गाली नहीं निकल जाती है, लेकिन अगर मुझे कुछ बोलना है किस आपने गाली गाली नहीं दी? नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड. कि किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं करें तो अगर मुझे बुराई करनी भी है तो मैं सामने सामने मुंह पे एक अनुमान लगाइए. आप ये अनुमान लगा दिया ज्यादा है 30 से लेके 58 तक बहुत ज्यादा है मुझे. आप भी एक ऑडियंस पोल कीजिए. नहीं 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 शायद नहीं शायद नहीं. They will not say. शायद नहीं होगा. ये होगा. अगर मैं फोन कर रहा हूँ आपको रानी, आपने फोन उठाया, मैं से रानी जी आपने कभी किसी को गाली दी है जैसे कि वो कमरे से निकले हैं? नहीं. आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं. आप क्या बोलेंगे? गाली कभी नहीं. नहीं. If I'm really upset with somebody, I might so you think it'll be this? Talk to a friend about them that they're not understanding, but नहीं. गाली का मतलब यहाँ पे गाली का मतलब कि यही है कि पीठ पीछे बुराई करना. पर ऐसे कई लोग भी हो सकते हैं ना जो आप एक ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे. आइए ऑडियंस पोल दिखा देते हैं. 4100 पे फिर से. ये कौन है जो 100 पे कर रहा है? ये कौन है? ये झिझकने वाले हैं, शर्माने वाले हैं 40% पे जो भी है, लेकिन वो जो 100 वाला है ना वो डंके की चोट पर बोल रहा है. बेझिझक, नो फियर. हाँ बॉस. देखो यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुस्से में या वो हो ही जाता है, लेकिन कबूल कितना लोग कितने प्रतिशत भारतीय करेंगे इसको, ये आपको सोच के चलना है. आप जीतेंगी तो 10 लाख रुपए जीतेंगी, हारेंगी तो 6000 रुपए, 10000. क्विट करती हैं तो 1 लाख, 20% की खिड़की है. 25 to 45. आपने 25% से लेके 45% पर लगाया है. Also possible. नहीं ये अगर 20-25 के नीचे हुआ तो होगा. आपकी चैरिटी के लिए ना, बच्चों के लिए. पता है इसलिए तो मैं इतना सोच रही हूँ. छाप दो सलमान यार, बताना यार छाप दो. छाप दो चल तो साथ में. छाप दिल बोले हड़िप्पा. दिल बोले हड़िप्पा छाप दिया 25% से लेके 45% पर रानी ने छापा है. प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि उन्होंने किसी के कमरे से निकलते ही उसको गाली देना शुरू कर दिया. रानी मुखर्जी ने लगाया है 25% से लेके 45% पर. खेल रही है 10 लाख रुपयों के लिए. प्रश्न था कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि उन्होंने किसी के कमरे से निकलते ही उसको गाली देना शुरू कर दिया. आए देखें क्या होता है हमारी रानी मुखर्जी जी का. जीत चुकी है 10 लाख रुपए. 10 लाख जीत गए यार. अगला प्रश्न यानी कि 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न पूछने से पहले शाहिद जी, आप इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसरों में से हैं. हम आपसे कुछ एक नया कुछ डिस्को ही गाना कराएंगे, लेकिन एक नया पुराना डिस्को गाना कराना चाहते हैं, क्या आप कर पाएंगे? जी मैं कोशिश पूरी करूंगा. आइए मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं, उनका नाम है लाज मित्तल. I am a disco dancer. Zindagi mera gaana. Main kisi ka deewana.
आप दो कदम दूर है 10 करोड़ रुपयों से। खेलना चाहेंगे आप 1 करोड़ रुपयों के लिए? प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न देख सकते हैं आप, क्यों नहीं। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचती है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों में सभ्यता अब नहीं रही? 10% की खिड़की है आपके पास, अनुमान लगाइए, पोल कीजिए आप लोग। बस इतना ही याद रखिएगा आप के क्विट करना है तो छापने से पहले क्विट करना है आपको, बस उसके बाद आप खोज भी कर सकती है। मैडम आपका मानना यह है कि मेन आर नॉट चिवलरस? मोस्ट ऑफ द मेन हु इंटरैक्ट विद आर मोस्टली द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑन सेट एंड दे आर क्वाइट चिवलरस एवरीबॉडी एक्चुअली। अच्छा, चिवलरी का मतलब ये नहीं है कि आपने दरवाजा खोला या आपने गाड़ी का दरवाजा खोला या आपने कुर्सी दी आप उठे, दैट इज योर अपब्रिंगिंग, दैट्स तहजीब। शिवलरी मीन्स के अगर आप कोई तकलीफ में हैं और एक आदमी वहाँ पे है जो अपने आप को तकलीफ में डालकर आपको उस तकलीफ से बाहर निकालेगा या बचाएगा, दैट इज व्हाट शिवलरी मीन्स, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ शिवलरी। सी, इफ आई हैड टू थिंक इट वुड बी अगेन 25 to 35 Not bad, yeah. Women think really good for Indian men. Huh? But Indian women think really highly of Indian men. जी 50%। तो ये मर्दों का नजरिया भी है कि औरतों को क्या लगता होगा, ये औरतों ने सिर्फ नहीं दिया जवाब। करेक्ट। तो ये टेक्निकली इतना क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन जो सर्वे हुआ है वो महिलाओं जी ऑफ द गर्ल्स ओनली ऑफ द गर्ल्स। करेक्ट। तो आई थिंक ये होगा आपका जवाब। जीतेंगी तो 1 करोड़। करेक्ट। हारेंगी तो 1 लाख। इधर भी पूछते हैं आपको क्या लगता है, क्विट करेंगी तो 10 लाख। 25 to 30 व्हाट डू यू थिंक? 25 to 30 Yeah. What do you? What? 40%. अरे यार तुम लोग important नहीं हो, मुझे ladies से पूछने दो. हैं? What about you? 30. और आपको? 40. आपको? 25, 30 और 40 के बीच में चल रहा है. तो ये छाप दे. 25, 30 और 40 के बीच में उसका आंकड़ा क्या बनता है? सुनो ना. नहीं 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 शायद नहीं. नहीं मुझे ये नहीं लगता ये करेक्ट है। विल बी लेस और यू थिंक इट विल बी हियर? विल इट बी दिस? विल इट बी दिस? विल बी दिस? सी 50% मोर देन 50% द वुमेन विल थिंक इट्स देयर। देखिए हमेशा दो प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक इस टाइप की होती है कि यू नो आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो कम है, और दूसरी उस प्रकार की होती हैं कि जिनके लिए कुछ भी नहीं करो तो वो भी बहुत ज़्यादा है। डिपेंड्स फ्रॉम महिला टू महिला। महिला टू महिला ये करेक्ट है ये। और काफ़ी महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि तुम ऐसा क्यों हमें ट्रीट कर रहे हो कि हम तुमसे कम हैं, कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आज की जनरेशन में वो भी बहुत है कि ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खाने जाएँ तो बिल आप चुकाएं। हाँ हम व्हाई कांट वी स्प्लिट इट, या मैं क्यों नहीं दे सकती कभी कभी। जी दे डच बोलते हो, सो डच चले जाते हैं जो। ये करेक्ट है। हाँ? ये करेक्ट है। चाप दूं? मेरा दिल बोल रहा है अड़िप्पा 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 रोक रोक रोक। ओम गणेश नमः ओम साई राम। छाप देते रानी मुखर्जी ने छापा है। 35% से लगे 45% पर प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचते हैं कि महिलाओं के प्रति पुरुषों में सभ्यता अब नहीं रही। आए देखें कि रानी मुखर्जी 1 करोड़ जीतती है या लेके जाती है सिर्फ 1 लाख रुपए।
मैडम यहीं पे अभी बैठने का इरादा है क्या? 1,00,000 रुपए जीत चुकी है आप। लवली प्लेइंग विद यू, लवली प्लेइंग विद यू, लवली प्लेइंग विद यू ब्रदर। यस थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, इट वाज फैंटास्टिक प्लेइंग विद यू। आइए मुझे फोन दीजिए मेरा, आइए मैं आपकी तस्वीर, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। ये हमारी एक ये हमारी सैमसंग ओमनिया HD फोन। इसकी मालूम क्या स्पेशलिटी क्या है? पिक्चर और वीडियोस ना हाई डेफिनेशन में आता है ना, स्माइल स्माइल। लवली, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हेल्दी रहिए हिंदुस्तान। दिल बोले हरिद्वार।